आई एम डॉक्टर नवल मेहंदीरत्ना। आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत टाइम डायग्नोस नहीं होता, बस किसी को पता नहीं होता एग्जैक्ट लक्षण कहाँ है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है और कहाँ पे इसका कैसा ट्रीटमेंट होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम में सबसे पहले स्टार्ट होता है हाथों में झुंझुनाहट। ये झुंझुनाहट हमारे 2 से 3 उंगलियों में रहती है और कईयों के पूरे उंगलियों में भी फैल जाती है। लेडीज में प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन है क्योंकि किचन का काम करते टाइम रिस्ट मुड़ती है, फोन पे कई बार याद बात करते हैं, प्रेगनेंसीज के बाद ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, थायराइड पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार ये प्रॉब्लम एक गठिया का शुरुआत भी होता है क्योंकि जहां पे रिस्ट पे दबाव पड़ता है तो वो हमारी नस को दबा देती है। लक्षण इसमें बड़े पर्टिकुलर है कि झुंझुनाहट होगी और ये रात को सबसे ज्यादा तंग करेगा आपको, तो इस सिम्टम को जल्दी रिकॉग्नाइज करें क्योंकि ना करने से ये आपकी मसल्स की वेस्टिंग करेगा और आगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें जहां पे भी आपको ये लग रहा है कार्पल टनल प्रॉब्लम का स्टार्ट है, क्योंकि जल्दी इलाज से, जल्दी प्रिवेंशन से इसको वहीं पे रोका जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड।